अस्सलाम वालेकुम, पेट केयर क्लिनिक। उम्मीद है आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे माइक्रोचिप के बारे में। माइक्रोचिप होती क्या है, इसको लगाते किस तरह है, इसके फ़ायदे क्या हैं, और मार्केट में जो माइक्रोचिप के नाम के ऊपर फ्रॉड हो रहा है उसके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं माइक्रोचिप होती क्या है। बेसिकली जैसे ये अपने नाम से जाहिर कर रही है, ये एक छोटी सी चिप होती है जिसे हम एनिमल के किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। फिर इसका एक स्पेसिफिक रीडर होता है जिसे माइक्रोचिप रीडर कहते हैं। जब आप उस रीडर को उस स्पेसिफिक एरिया के पास लेके जाते हैं तो उसके ऊपर एक नंबर डिस्प्ले होता है जो कि आपके माइक्रोचिप का नंबर होता है। हर माइक्रोचिप का नंबर स्पेसिफिक होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक माइक्रोचिप जो है वो उसका नंबर जो है वो किसी और माइक्रोचिप के साथ मैच कर जाए। माइक्रोचिप जो है भी बेसिकली एक डाटा सेंटर के लिए यूज़ होती है। बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह कि आपका एक आईडी कार्ड बनता है और आपको एक स्पेसिफिक नंबर अलॉट किया जाता है। अगर आप अपना वही वाला नंबर आपके आईडी कार्ड के ऊपर भी होता है, जब आप वही वाला नंबर नादरा में जाके पुट करते हैं तो आपके पेरेंट्स की, उनके पेरेंट्स की और बाकी आपकी फैमिली की सारी एड्रेस वगैरह और बाकी डिटेल वहाँ पे आ जाती है। सिमिलरली यही चीज़ के लिए हम लोग माइक्रोचिप यूज़ करते हैं। जो लोग डॉग वगैरह लेने का सोच रहे हैं या जिनके पास डॉग हैं तो उन्हें पता होगा कि मार्केट के अंदर दो तरह के डॉग्स होते हैं, एक पेडिग्री डॉग्स और एक नॉन पेडिग्री डॉग। तो बेसिकली जो पेडिग्री डॉग हैं, जब भी आप वो लेंगे तो जो भी ओनर होगा वो आप सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा जो कि किसी स्पेसिफिक क्लब का होगा, और उसके ऊपर जो है इसका माइक्रोचिप नंबर, इसके पेरेंट्स की डिटेल, ब्रीडर की डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस वगैरह मेंशन होते हैं। अगर आप वही वाला जो माइक्रोचिप नंबर है उसी जो क्लब की आप वेबसाइट में जाएँ या उनके डेटाबेस में जाके आप पुट करेंगे तो आपको सिमिलरली वही वाली डिटेल जो है वहाँ पर मिल जाएगी। मतलब अगर आप जाते हैं, बहुत सारे ऐसे भी पाकिस्तान के क्लब हैं जिनकी डिटेल जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल होती है। अगर आपने कोई पपी या डॉग परचेज़ किया, अगर आप उसका माइक्रोचिप नंबर जो है उस वेबसाइट पर जाके आप पुट करेंगे तो आपको फर्दर जो है उसकी सारी की सारी डिटेल जो है वहाँ पे आ जाएगी कि इसके पेरेंट्स कौन से थे, इसकी ब्लड लाइन कौन सी है, इसका ब्रीडर कौन सा था, इसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह। क्वेश्चन ये आता है कि माइक्रोचिप लगाते किस तरह है। तो आपके जो वेटनेरियन है वो बेसिकली किसी भी सबकट जगह के ऊपर जो है वो उसको माइक्रोचिप को इंसर्ट कर सकते हैं। खासतौर पर जैसे कि नेक एरिया उसको प्रेफर किया जाता है क्योंकि वहाँ पर सबकट, एक तो स्किन काफ़ी ज़्यादा होती है और वहाँ पर रीड आउट भी करना ईजी रह जाता है। अब बात करते हैं कि माइक्रोचिप का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इस तरह की कोई चीज़ है। अगर आपके वेटनेरियन ने जहाँ से भी आप माइक्रोचिप लगवा रहे हैं उन्होंने उसको ठीक से लगाया है, उसको प्रॉपरली सबकट इंसर्ट किया है, तो उसकी वजह से कोई भी रिएक्शन या इस तरह की कोई चीज़ नहीं आती। बहुत कम ऐसे चांसेस हैं कि कोई ऐसा एनिमल हो जो कि जो माइक्रोचिप का मटेरियल है उसे एलर्जिक हो और उसे जब माइक्रोचिप लगाई जाए तो उसे एलर्जिक रिएक्शन आ जाए। अदरवाइज इसका लगाने का कोई साइड इफ़ेक्ट या इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। हाँ, लेकिन जिस भी आप एरिया में लगवा रहे हैं उसको प्रॉपरली डिसइनफेक्ट ज़रूर कर लें, क्योंकि इसकी जो सिरिंज है जिसके अंदर माइक्रोचिप होती है उसकी नीडल का साइज़ काफ़ी बड़ा है।